हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर साहब। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे बट वेल्ड के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं बट वेल्ड कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बट वेल्ड कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अगर मेम्बर जो है सेम प्लेन पे लाई करेगा तो हम लोग बट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इफ़ द कनेक्टेड मेम्बर लाइज इन द सेम प्लेन बट वेल्ड और ग्रुप वेल्ड में भी प्रोवाइडेड। ठीक है, देखते हैं बट वेल्ड कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप इट मे बी क्लासिफाइड एज, मीन्स ये शेप के बेसिस पे हम लोग थ्री टाइप में क्लासिफाई किए हैं। उसमें से हमारा फर्स्ट वन क्या है, सिंगल यू बट वेल्ड, जिसको हम लोग कुछ वाई टाइप से शेप में डिनोट करते हैं, वो हमारा को क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। देखिए, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, यहाँ पे हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में वेल्ड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, सिंगल यू बट वेल्ड। और हमारा हो गया एक सेकेंड टाइप का जो होता है, वो डबल यू बट जॉइंट होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। जैसे देखिए, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ये दोनों को ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग वेल्ड प्रोवाइड किए इस डायरेक्शन में वाई के टाइप का, और यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्ट टाइप से यहाँ पे भी वेल्ड प्रोवाइड किए, तो ये हमारा हो गया क्या, डबल यू बट जॉइंट। राइट, थर्ड वन सिंगल जे, इसको कुछ इस टाइप से, ये उल्टा वाई के टाइप से सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद डबल जे, जिसको हम लोग कुछ उल्टा के टाइप से डिनोट करते हैं। सिंगल भी, जिसको कुछ कैपिटल वाई के टाइप से डिनोट करते हैं। और डबल भी कुछ, उसको हम लोग एक्स टाइप से डिनोट करते हैं। दैट इज एक्चुअली ये एक्स टाइप होता नहीं है, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब देखिए वेल्ड हम लोग का में कितने टाइप का, जो बट वेल्ड है उसमें कितने टाइप का फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें तीन टाइप का फोर्स एक्ट कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है। एक तो एक्सियल टेंशन, कुछ इस टाइप से रहेगा इस फिगर में, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, यहाँ पे हम लोग क्या डबल यू टाइप का जॉइंट प्रोवाइड किए हैं। एक तो हमारा हो गया सीयर, कुछ इस टाइप से रहेगा जिसमें हमारा फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। राइट, और इसमें हमारा फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, और कंबाइंड सीयर प्लस टेंशन थर्ड वन है। ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या सीयर और कंबाइंड दोनों लगेगा। ठीक है, कंबाइंड सीयर प्लस टेंशन दोनों फोर्स लगेगा, जो हमारा कुछ इस टाइप से हो गया, जस्ट लाइक एन इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन फॉर बट वेल्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होता है, सेम एज द फिलेट वेल्ड, मीन्स जितना लेंथ में हमारा वेल्ड किया गया है उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द वेल्ड। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस कितना होगा, 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। थिनर मेंबर का कितना, 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस फॉर सिंगल यू जे वी वेल्ड के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट टी हो जाएगा थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर के इक्वल्स टू फॉर डब्ल्यू जे वी वेल्ड के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ बट वेल्ड, मीन्स बट वेल्ड का जो डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कितना होता है। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था तीन टाइप का लोड एक्ट कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, एक्सियल टेंशन फर्स्ट केस के लिए। तो एक्सियल टेंशन के केस में कितना ये फोर्स रेसिस्ट करेगा, डिजाइन लोड कितना रेसिस्ट करेगा, वो हमारा हो जाएगा कितना, FYW बाई गामा MW इंटू LW इंटू TT। FYW क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, गामा MW क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द वेल्ड, LW इंटू TT ये क्या है, एरिया ऑफ द वेल्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट केस अंडर एक्सियल टेंशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अंडर सीयर, अंडर सीयर के केस में कितना हो जाएगा, डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड। देखिए, जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हम मैं बताया था कि पूरा स्टील स्ट्रक्चर में, आप कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है, पूरे स्टील स्ट्रक्चर में अगर जहाँ पे भी सीयर का केस आता है, सीयर, तो वहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना है, √3 डिवाइड कर देना है आँख मूल के। ये हमारा कुछ ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, FYW अपॉन √3 गामा MW इंटू LW इंटू TT। तो FYW क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड बाय √3, गामा MW क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द वेल्ड, और LW इंटू TT क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ द वेल्ड। ठीक है,
इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग वेल्ड। ठीक है, सपोर्टिंग वेल्ड जो लास्ट टाइप का वेल्ड है, ये हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का विड्थ ग्रेटर देन 16 टाइम ऑफ थिकनेस हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। और ये किसको रेसिस्ट करता है, इंटरनल इसेंट्रिसिटी को। तो देखिए, रिक्वायर्ड इफ वेल्ड मे बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल इसेंट्रिसिटी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ टी, दैट इज थिकनेस ऑफ द प्लेट मेंबर। ठीक है, और इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, एनालाइज योर डिजाइंड एज ए फिलेट वेल्ड दैट इज रेसिस्ट ओनली इन सीयर। इसको भी हम लोग सेम एनालिसिस करते हैं जैसा हम लोग एनालिसिस किए थे फिलेट वेल्ड का, और ये भी हमारा सिर्फ सीयर में ही रेसिस्ट करता है। ठीक है, सर्कुलर स्लॉट दैट इज प्लग वेल्ड और रेक्टेंगुलर स्लॉट दैट इज स्लॉट वेल्ड मे बी प्रोवाइडेड इन द प्लेट इफ विड्थ ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर देन 16 टाइम। अगर प्लेट का विड्थ कितना 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ द मेंबर से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम लोग सर्कुलर स्लॉट या फिर रेक्टेंगुलर स्लॉट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किस पे, थिनर प्लेट पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली प्रोवाइडेड इन द थिनर प्लेट, राइट। अब देखिए इसमें से हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन है, स्लॉट वेल्ड का डायमीटर कितना होना चाहिए। अगर सर्कुलर स्लॉट है ये, तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो इसका डायमीटर हमारे पास कितना होना चाहिए, 3t और 25 mm। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, 2t का गैप होना चाहिए। सपोज दैट कि ये प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर हम ये प्लेट प्रोवाइड में हम लोग क्या स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड किए, तो ये जो गैप है ये, ठीक है, ये हमारे पास कितना, एटलीस्ट 2 times ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग स्लॉट वेल्ड इतने गैप में प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज ये फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है मिनिमम साइज ऑफ द स्लॉट और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर मस्ट बी 3t और 25 mm, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्लॉट वेल्ड ख़त्म होता है और इसी के साथ वेल्डेड कनेक्शन भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, थैंक यू।